डहर की डहरवा से निकलने वाली नहर मलीर शाह के गांव गुलाम कादर को मिलाने वाली पुल टूटने के बाद डेढ़ साल से मुरम्मत न होने की वजह से हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम रसूल से। जी गुलाम रसूल, आगा की जगह क्या सूरत हाल है? गांव गुलाम कादर गुरगेज में जहाँ पे डहरवा से निकलने वाली मलीर शाह की पुल जो है वो टूट फूट का शिकार है। आइए तो इस हवाले से इलाके मकीन से पूछते हैं उनको इसकी वजह से क्या तकलीफ है, क्या मसला है और आपके गांव का क्या नाम है? हमारे गांव का नाम है गुलाम कादर गुरगेज। हमारे जो है ना पुल की बहुत तकलीफ है, इसको तकरीबन डेढ़ साल से ज़्यादा अर्सा हो गया है। बड़ी गाड़ी भी और यहाँ पर ही क्रॉस हो सकती, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि दो फुट जितना जो है ना रास्ता ये कर सकते हैं। हम अपील करते हैं हुकुमरान जो भी हैं हमारे, हम अपील करते हैं हुकुमरानों को कि हमारे को जो है पुल का मसला हल किया जाए बहुत जल्दी जल्दी। अच्छा, इस टूटी पुल की वजह से आपको क्या तकलीफात है? हमारे बच्चे जो है ना नहर में गिर रहे हैं, रोज जो है ना हद से बढ़ते जा रहे हैं उस पुल की वजह से। अच्छा, यहाँ से आपकी कोई गाड़ी वगैरह आ जा सकती है इसमें? नहीं, बड़ी गाड़ी नहीं आ जा सकती, सिर्फ मोटरसाइकिल से अलावा। अच्छा, यहाँ कोई अगर आपका कोई खुदा मरीज लेना ले जाना पड़े या कोई और मसला हो तो वो कहाँ ऊपर से घूमना पड़ता है, बहुत देर हो जाती है। क्या मुतालबा करते हैं? हमारे को ये पुल वाला मसला हल किया जाए बहुत जल्दी जल्दी। जी, आपने इलाके मकीन की बात सुनी, उनका यही कहना था कि पुल की टूटने की वजह से हमें बहुत तकलीफ पेश आ रही है। अगर कोई मसला मसाइल होता है तो हमें 3-4 किलोमीटर दूरी के रास्ते से फिर शहर जाना पड़ता है। हम डीसी साहब और आला हकाम से अपील करते हैं कि हमारी पुल जल्द से जल्द तमीर करके हमें मजीद तकलीफात से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ गुलाम रसूल पयार, राज न्यूज़, डेर की।